I am Sakshi and thank you so much for watching The Soul Food. Who doesn't love pizza? Yes, of course, we all love pizza. But our parents, ये क्या मैदा-मैदा खाते रहते हैं? तो मैंने yes एक alternative ढूंढ लिया है, मूंग दाल से बना हुआ पिज्जा, एकदम हेल्दी. तो चलो चले. This is a very small stall near to ITU metro station, gate number 2. सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, वहां से आप आ सकते हैं. प्लस आपके सामने ये पिज्जा बनाते हैं, सो इट्स फ्रेशली बेक्ड ऑन तवा. इंडियन है तो पूरा देसी फ्यूजन में है. प्लस इनका टाइमिंग्स जो है वो 1 बजे से रात के 10 बजे तक है, तो आप अकॉर्डिंगली आए और देखो कितना अच्छा लग रहा है ये. और मूंग दाल बेस से बनता है तो इट्स हेल्दी, बट हाँ चीज और बटर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. एंड ये बनते हुए भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है, एज यू कैन सी देखो कैसे फ्लावर की तरह ओपन होगा. इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, इट्स सो हाइजीनिक बिकॉज इट्स फ्रेशली बेक्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज. एंड इट्स क्वाइट वर्थ इट. द प्राइजेज आर ओनली 150 rupees फॉर चीज बर्स्ट मूंग दाल पिज्जा. दे हैव गॉट लोड्स ऑफ वेराइटी, लाइक दे हैव चॉकलेट पिज्जा टू. सो यू कैन कम हियर एंड ट्राई. द मेकिंग आर वेरी टेम्पटिंग एंड विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ अमूल बटर. देन चीज, देन थोड़ी सी वेजीज जो मुझे दिख रही है, कैप्सिकम, अनियन एंड मक्खी आ जा रही है. फिर उसके बाद मसाला कुछ उनका अपना बना है, पूरा देसी फॉर्म में बना है. और देखो चीज तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है. उसकी स्लाइसेस इतनी छोटी है, हम एक हाथ से भी खा सकते हैं जैसे मैं खा रही हूँ. लेट्स ट्राई आउट कैसा है. इसके अंदर भी चीज फिल्ड है, इफ यू कैन सी. यह हमें फिल्ड है देसी इमली की चटनी और पुदीने की चटनी. Instagram picture. My Instagram handle is somewhere here. Our next video will be bye bye.